प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर हो रही मतगणना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मतगणना को लेकर कई तरह की जानकारियां साझा की है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं वीएल कांताराव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 19 से लेकर 24 राउंड की मतगणना होना है। किसी विधानसभा में मतदान केंद्रों की संख्या के आधार पर 19 राउंड होना है और पूरी 8 में किसी और विधानसभा क्षेत्र में 24 राउंड होना है। जो रेंज हमने आपको एक कागज वितरण किया है, इसमें रेंज दिया है कि कितने राउंड होना है प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, और वर्तमान में यानी 11 बजे तक उस जगह पर किसी विधानसभा क्षेत्र में दूसरा राउंड हुआ है और किसी में चौथा राउंड हुआ है। जो राउंड कंप्लीट हुआ है वो हमने ये जानकारी दी है, और राउंड कंप्लीट होने का अर्थ है कि हमारा जो सुविधा ऐप है, जो भारत निर्वाचन आयोग की जो इंटरनेट सिस्टम है, हम राउंड वाइज जानकारी भरते हैं, उसके आधार पर हमने ये स्थिति निकाली है। तो आप देखेंगे कि औसतन चौथा या पांचवा राउंड हर जगह पर चल रहा है और औसतन 20 राउंड हो रहा है, तो लगभग 15 राउंड और बाकी है। और जो छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जिनकी मतगणना अलग बात में चल रही है बाय इलेक्शन का, वो 11 बजे तक 6 राउंड वहाँ हो चुके हैं और वहाँ कुल 22 राउंड होना बाकी है। जो ईवीएम मशीन में मतदान के दिन मतदान समाप्त होने के बाद उसका क्लोज बटन जो दबाना है और उसमें से जो मॉकपोल के जो वोट्स डिलीट करना है, ऐसे मामले हमारे पास 40 प्रकरण ऐसे मिले थे जो स्क्रूटनी के दौरान यानी ऑब्जर्वर के द्वारा मतगणना के अगले मतदान के अगले दिन जब स्क्रूटनी की जाती है उस समय 40 प्रकरण सामने आए थे। ये हमने सभी कैंडिडेट्स को बता दिया, उन 40 प्रकरणों में ईवीएम मशीन के बजाय वीवीपैट पर्ची गणना की जाएगी। आज मतगणना के दौरान 7 प्रकरण और सामने आए हैं जिसमें वो सीआरसी की प्रक्रिया न होने पर ईवीएम की गणना न करते हुए हम वीवीपैट की गणना करेंगे, अर्थात अभी तक 47 प्रकरण ऐसे हैं, 47 तुम्हें मतदा करना है, दूसरों को दिक्कत हो रही है। 47 वीवीपैट पर्चियों की गणना करेंगे, इन पर्चियों की गणना ईवीएम मशीन की गणना के बाद अंत में होगा। अलग अलग जिलों के हैं, आपको याद होगा कि लगभग 200 ऐसे प्रकरण हमें विधानसभा निर्वाचन के दौरान मिले थे जिसमें हम ईवीएम की जगह वीवीपैट की गणना किए थे, तो इस बार वो संख्या मात्र 47 है। मैंने 65,283 ईवीएम मशीन में से मात्र 47 ऐसे होंगे जहां पर ईवीएम मशीन के बजाय वीवीपैट मशीन से गणना करेगा। देखिए ये चार्ट यदि आप देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक तो निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 21 राउंड है, जैसे उज्जैन है उसमें 21 राउंड है, उसमें कैंडिडेट भी बहुत कम है, तो फोटो कॉपी में भी टाइम कम लगेगा। तो ये जो जैसे सागर है, टीकमगढ़ है, रीवा है और उज्जैन है, इनमें सिर्फ 21 राउंड है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें उज्जैन ऐसा है जिसमें कैंडिडेट भी कम है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उज्जैन का जो नतीजा है वो 10 बजे रात तक आ जाएगी, काउंटिंग से पहले हो जाएगी, लेकिन वीवीपैट पर्चियों की गणना हमें करनी होगी, उसमें लगभग 4-5 घंटे लगेंगे, तो 4-5 घंटे मिलाकर मैं कह रहा हूँ कि 10 बजे तक उसका रिजल्ट लोकसभा में। किसी के
देखते हैं ये हैं वो बेटे बेटे तो मज़ रायसेन जिले में जिस कर्मचारी की ड्यूटी लगी थी वो लाख में उनके घर से उनकी मृत्यु हुई। आज सुबह से ड्यूटी के दौरान कोई ऐसे हादसे की जानकारी नहीं है। चलो ठीक सर जहाँ मतगणना47 जो वीवीपैट है ये 20-22 जीवन में है तो हम जाके अलग से आपको कदम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें आपका स्वागत है। आज हमारे 51 मतगणना उन्हीं से लगे हुए 51 स्ट्रॉन्ग रूम को सुबह 7 बजे311 काउंटिंग हॉल्स में 3409 टेबलों पर मतगणना कार्य अभी सुचारू रूप से चल रही है। स्ट्रांग रूम खोलने के बाद यह मतगणना के दौरान किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई। लगभग 86,000 पोस्टल बैलेट की गणना का कार्य चल रही है। मतगणना के जो परिणाम है रुझान है कि आपको results.eci.gov.in के वेबसाइट पर और वोटर हेल्पलाइन के ऐप पर आपको लगातार रियल टाइम में मिल रही है तो इसलिए उसके बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राउंड्स का क्या स्टेटस चल रहा है कि किस किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में क्या क्या राउंड चल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 या 8 विधानसभा क्षेत्र होते हैं। दो जगह ऐसे हैं जहां पर 7 विधानसभा क्षेत्र है सत्ता और छिंदवाड़ा और बाकी सभी जगह 8-8 विधानसभा क्षेत्र है। तो विधानसभा क्षेत्र वार हॉलों में मतगणना हॉल में मतगणना चल रही है और जैसे मोरेना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 19 से लेकर 24 राउंड मतगणना होना है। किसी विधानसभा में मतदान केंद्रों की संख्या के आधार पर 19 राउंड होना है और उन्हीं 8 में से किसी और विधानसभा क्षेत्र में 24 राउंड होना है। जो रेंज हमने आपको एक कागज से प्रेजेंट किया है इसमें रेंज दिया है कि कितने राउंड होना है प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में और वर्तमान में यानी 11 बजे तक उस जगह पर
इसी विधानसभा क्षेत्र में दूसरा राउंड हुआ है और इसी में चौथा राउंड हुआ है। जो राउंड कम्प्लीट हुआ है वो हमने ये जानकारी दी है, और राउंड कम्प्लीट होने का अर्थ है कि हमारा जो सुविधा ऐप है, जो भारत निर्वाचन आयोग की जो इंटरनेट सिस्टम है, हम राउंड वार जानकारी भरते हैं, उसके आधार पर हमने ये स्थिति निकाली है। तो आप देखेंगे कि औसतन चौथा या पांचवा राउंड हर जगह पर चल रहा है, और औसतन 20 राउंड हो रहा है, तो लगभग 15 राउंड और बाकी है। और जो छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जिनकी मां कहना अलग बात में चल रही है बाई इलेक्शन का, वो 11 बजे तक 6 राउंड वहां हो चुके हैं और वहां कुल 22 राउंड होना बाकी है। जो ईवीएम मशीन में मतदान के दिन मतदान समाप्त होने के बाद उसका क्लोज बटन जो दबाना है और उसमें से जो मॉक पोल के जो वोट्स डिलीट करना है, ऐसे मामले हमारे पास 40 प्रकरण ऐसे मिले थे जो स्क्रूटनी के दौरान यानी ऑब्जर्वर के द्वारा मतगणना के अगले मतदान के अगले दिन जब स्क्रूटनी की जाती है उस समय 40 प्रकरण सामने आए थे। ये हमने सभी कैंडिडेट्स को बता दिया, उन 40 प्रकरणों में ईवीएम मशीन के बजाय वीवीपैट पर गणना की जाएगी। आज मतगणना के दौरान 7 प्रकरण और सामने आए हैं जिसमें वो सीआरसी की प्रक्रिया न होने पर ईवीएम की गणना न करते हुए हम वीवीपैट की गणना करेंगे, अर्थात अभी तक 47 प्रकरण ऐसे हैं, 47 तुम्हें मतदा करना है, दूसरों को दिक्कत हो रही है। 47 वीवीपैट मशीनों के पर्चों की गणना करेंगे, इन पर्चों की गणना ईवीएम मशीन की गणना के बाद अंत में होगा।